पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी राजू तिर्की गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक सदस्य पुलिस की गिरफ्त में भागने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा के साथ 3 जिंदा गोली भी बरामद। गिरफ्तार सभी आरोपी कुख्यात अपराधी डब्लू सिंह व राजू तिर्की गिरोह के हैं और लेवी, रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। SDPO विजय शंकर और थाना प्रभारी राकेश कुमार रवि के नेतृत्व में कार्रवाई कर सभी को मेदनी सदर थाना क्षेत्र के बैलोलवा में से गिरफ्तार कर लिया गया। SP संजीव कुमार ने PC कर जानकारी दी। ये तीनों अपराधी जो गिरफ्तार हुए थे, इसके बारे में डिटेल्स। तीन अपराधी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो तीनों अपराधी राजू तिर्की के लिए काम करते थे और जो जमीन के लिए में जाकर दबाव बनाना और जबरदस्ती गुंडागर्दी करना, ये इनका था, जिसमें हम लोगों ने इनको एक वालालोवा से इनकी गिरफ्तारी की है, जिसमें इनके इनके पास से एक देसी कट्टा और गोलियां हम लोगों ने रिकवर किया है। इनके पास से एक मोबाइल भी रिकवर किया है, एक मोटरसाइकिल भी रिकवर किया है। सर, इस संबंध में राजू तिर्की पर भी मतलब है, ये जो हम लोग जो इनका ट्रांजेक्शन्स है, जो भी राजू तिर्की या डब्लू उसके साथ जो ट्रांजेक्शन्स है, उसको हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो लोग भी इसमें आएंगे सबको इसमें। R9 भारत के लिए आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 1,00,000 का इनामी भाकपा माओवादी नक्सली गुड्डू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पिछले कई सालों से फरार चल रहा था गिरफ्तार नक्सली गुड्डू सिंह, इसके पूर्व गिरफ्तार नक्सली के कई बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे चुका है। पुलिस इस नक्सली को गिरफ्तार करने के लिए पिछले कई सालों से तलाश कर रही थी। नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में फरार इनामी भाकपा माओवादी गुड्डू सिंह को पुलिस ने गुजरात राज्य के कोसंबा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली 8 मामले में नाम दर्ज था और बिहार में भी इस पर मुकदमा चल रहा था। साल 2009 से लेकर 2014 तक माओवादी दस्ते में सक्रिय था। हत्या, पुलिस के मुठभेड़ जैसी बड़ी घटनाओं को दे चुका है अंजाम। SP संजीव कुमार, SDPO के विजय शंकर और SDPO शंभू सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गुजरात से हम लोगों ने एक हमारा वांछित उग्रवादी था, जो करीब 8 कांडों में वांछित था पिछले 6 साल से, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। गुड्डू सिंह को रामी कराने वाला है, 1,00,000 का उग्रवादी भी था, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने गुजरात के कोसंबा सूरत से किया। ये हमारे ज़िले में 8 कांडों में था, जिसमें पुलिस मुठभेड़ से लेकर आर्सनिंग से लेकर रंगदारी के पीछे जिसके ऊपर है, हत्या के पीछे। बिहार में अभी हम लोगों ने पत्राचार किया है, बिहार के केसेस के संबंध में। ये हमारा जो नक्सल जोन है, पूरा हमारा नॉर्थ का जो नक्सल जोन है, उस चक्रबंधा से लगा हुआ पूरा नौडीहा का रहने वाला है और पूरा जोन इस पर कई कांड। R9 भारत के लिए आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड। पंचायतों में मुखिया द्वारा विकास ही विकास किया गया है। विकास की बात करें तो इसके नाम पर खाना पूर्ति तो अवश्य की गई है। पंचायत में लगा जल मीनार, जब एक बूंद पानी भी नहीं उगल सका व जल मीनार यूं ही अपने नियत स्थान पर खड़ा हो तो इसे क्या कहा जाए। पंचायत में कितना विकास हुआ है या इसी से स्पष्ट होता है। बता दें कि जिले के केतार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हुरका गाँव के वार्ड नंबर 3 में लगा जल मीनार बेकार पड़ा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गंज दत्त साबित हो रहा है। यह जल मीनार, लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि महीनों से लगा जल मीनार किसी काम का नहीं है। जल मीनार से ग्रामीणों को एक बूंद पानी भी नसीब ना हो सका। सरकार द्वारा 14वें वित्त से प्रत्येक पंचायत में मुखिया के माध्यम से जगह जगह जल मीनार लगवाया गया, जिससे ग्रामीणों को पीने योग्य पानी मिल सकेगा, जबकि 14वें वित्त से लगा जल मीनार बेकार साबित हो गया। इस प्रकार बेकार पड़े खड़े जल मीनार से स्पष्ट होता है कि केवल कॉलम पूर्ति की गई है। मुखिया द्वारा विकास कितना किया जा रहा है या सभी लोगों के सामने खड़ा जल मीनार सब कुछ साफ साफ बता रहा है। ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग की है कि शीघ्र ही महीनों से बेकार पड़े उक्त जल मीनार को योग्य बनाया जाए। यह जल मीनार पानी नहीं देता है? नहीं। कब से नहीं देता है? जब से लगल है तब से नहीं देता है। तो इसके बारे में आप लोगों ने कहीं जानकारी दी है? अरे बार बार लोग आता है बनाने, ठीक ना, लेकिन कुछ करके जाता है लेकिन आते नहीं है, ठीक नहीं है। यदि बन जाए तो इससे कोई लाभ है? लाभ बहुत है इससे तो। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार आनंद। घर? हुरका। किस वार्ड में है ये? वार्ड नंबर 3। R9 भारत के लिए आनंद कुमार दुबे की रिपोर्ट, गढ़वा, झारखंड।